वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शिनवारी के खतरनाक किस्म के मुट्ठी कबाब कढ़ाई बना रही हूँ। शिनवारी की ज़बरदस्त किस्म की, ख़तरनाक किस्म की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो ये मैंने मुट्ठी कबाब कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, मैंने ये 1 किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया अच्छे तरीके से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है कीमा, पिसा हुआ बहुत ज़बरदस्त लग रहा, बहुत बारीक मैंने इसको पीसा है कीमे को। ठीक है, ये कीमा मैंने लिया 1 किलो और धो के खुश करके फिर इसको मैंने पीसा है। और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून लिए मैंने, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिए जो हम इसमें कीमे में, चिकन के कीमे में ऐड करेंगे। और ये मैंने 7-8 के करीब मैंने हरी मिर्च ली है जो मैं बाद में डालूंगी बताऊंगी। हरा धनी की 1/2 गड्डी मैंने ली है, ये देखिए। और ये अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। और ये मैंने 2 चिकन क्यूब लिए हैं। और ये मैंने 6 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, और मैंने 2 ये प्याज काटी हुई ली, मोटी मोटी काट ली हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी मैं आपको बताऊँगी, सरप्राइज़ आपके लिए। और सबसे पहले मैं इसके अंदर कीमे के अंदर देखें ये डाल रही हूँ चाट मसाला। अब इसमें मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें डाल दी, इसी भी लाल मिर्ची इसमें डाल दी। अब इसमें नमक भी इसमें गया, सब चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये 3 टेबल स्पून मकई का आटा है, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, मकई का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। सही हो, चाहे तो ब्रेड का पीस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड करूँगी, 3 टेबल स्पून मैंने मकई का आटा लिया। अब इसी में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ से मिक्स अच्छे से होगा, लेकिन मैं स्पून से कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए इतना ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल मिक्स हो गया, सारे मसाले से मिक्स कर लिए मैंने। अब मैं छोटा छोटा पेड़ा लेती जाऊँगी इस तरीके से मुट्ठी में। इसका नाम है मुट्ठी कबाब कढ़ाई। तो इस तरह मुट्ठी में हम मुट्ठी इस साइज़ के बनाएंगे। ये मुट्ठी में आ गया हमारे, ये देखिए इस तरह मुट्ठी ले लेके बना के ये रख दिया, एक बन गया। फिर हम इसी तरह दूसरा बनाएंगे। मुट्ठी में जैसा आपके जितना कीमा आता ना उतना मुट्ठी में ले, ये देखिए इस तरह करके। इसका नाम है मुट्ठी कबाब कढ़ाई। खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा, बनाएंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और एक पार्ट भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो का, अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपकी ये मुट्ठी कबाब कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी इसकी रेसिपी। अगर आप चाहते हैं आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत VIP बने, तो आप प्लीज़ एक भी पार्ट का मिस मत कीजिएगा और पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ताकि आपकी मुट्ठी कबाब कढ़ाई बिल्कुल शिनवारी की तरह बने। ये देखिए हमारे मुट्ठी कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं एक फ्रेम खोल के एक बर्तन में यानी फ्राई पैन में मैं ये कबाब फ्राई करूँगी, और एक कढ़ाई के अंदर मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बता दूँ, आइए हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मुट्ठी कबाब कढ़ाई के लिए जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे उसके मसाले हम ये बताऊँगी, उसके मसाले ये हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून मैंने कोटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने देगी मिर्च ली यानी पेपरिका पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली जो एंड पे डालूंगी। और ये सामान है ग्रेवी के लिए। टमाटर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी टमाटर प्याज और चिकन क्यूब इसको मैं पानी में हल्की सी बॉईल करूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि छिलका इसका नरम हो जाए, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना।
ये देखिए टमाटर इसमें बॉयल करने, पानी मैंने रख दिया इस कढ़ाई में बॉयल करने के लिए, हाफ कढ़ाई मैंने पानी रखा, मैं उसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये देखिए टमाटर डाल रही हूँ उसमें, इसी में कटे हुए प्याज डाल रही हूँ, दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। अब इसी में दो चिकन क्यूब डाल रही हूँ। अगर आप चाहें चिकन क्यूब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अगर चिकन पाउडर भी आपके पास, मुझे देखिए चिकन क्यूब डालनी है दो अदद, अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं आप, और चिकन पाउडर नहीं डाल सकते नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप चिकन को दो तीन पीस चिकन के लेके, दो तीन पीस लेके उसकी यखनी बना के उस यखनी में आप ये टमाटर और प्याज को बॉईल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है अगर आप इस तरीके से करेंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं बॉईल हो रहे हैं टमाटर 5 मिनट के लिए, जब तक मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ। अब देखिए एक ही कबाब में इसमें फ्राई करती जाऊँगी। ये देखिए एक फ्लेम पे मेरे टमाटो और ऑनियन बॉईल हो रही है, और एक फ्लेम पर मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ फ्राई पैन में, देखें आप देख सकते हैं, ताकि जल्दी झटपट हमारा काम रेडी हो जाए और झटपट हमारी मुट्ठी कबाब कढ़ाई रेडी हो जाए। ये देखिए कबाब रेडी हो गए, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं, और ये हमारे टमाटो और ऑनियन भी बॉयल हो चुकी हैं। अब मैं बताऊँगी क्या करना, देखिए मैं सबसे पहले तो ये कबाब निकालूँगी जो हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, तो मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर, फिर हम उसका काम करेंगे टमाटो का और ऑनियन का। देखिए बिल्कुल भी टूटे, कितने अच्छे कबाब बने हमारे। ये देखिए टमाटो और ऑनियन हम इसमें निकाल रहे हैं। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी, ठंडा करके फिर इसको ग्राइंड करूँगी। अब देखिए इसके टमाटर का, यानी टमाटो का मैं छिलका उतार रही हूँ, बहुत ही गर्म हो रहे हैं ये, अभी ठंडे हुए नहीं, इस तरह का छिलके उतार लेंगे इसके, ठीक है, सी टमाटर के, और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इसके छिलके उतार लिए मैंने टमाटो के, अब प्याज और टमाटर दोनों इसमें मैं ग्राइंड कर लूँगी डाल के। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ज़बरदस्त आपका ये मुट्ठी कबाब कढ़ाई बनेगी, ये मज़ा आ जाएगा खाने वालों को। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मैं इसकी यखनी निकाल रही हूँ सारी, यखनियों को ज़ाया नहीं करनी है आपको, जो आपने टमाटो प्याज और वो दो चिकन क्यूब आपने साथ में डाल के बॉयल किए थे, कि यखनी आपके ग्रेवी में यानी मसाले में काम आएगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें ये टमाटो और ऑनियन जो मैंने ग्राइंड की थी सबसे पहले मैं वो इसमें ऐड करूँगी ऑयल के अंदर। ये देखें ये डाल दिए मैंने, ठीक है, अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसमें ऐड करूँगी। अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। देखिए सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो जो मैं बता चुकी हूँ वो क्या क्या मैंने मसाले लिए हैं। ये देखिए मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, किसी भी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये पेपरी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। सिर्फ मैंने कसूरी मेथी बचाई है, वो मैं लास्ट में डालूँगी, किस तरह डालनी है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये कलर आ गया है करी का। इसमें यही वाली यखनी हम डाल देंगे इसमें,
पेस्ट के लिए थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा मसाला हमारा, फिर जाके मैं इसमें कबाब ऐड करूँगी। अब देखिए मैंने सारी चटनी इसमें डाल दी है ताकि अच्छे से बिल्कुल थोड़ी सी ठीक हो जाएगी ना हमारा ये मसाला, इसका ग्रेवी तो ठीक हो जाएगी। फिर मैं इसमें कबाब ऐड करूँगी जब तक हम हरी मिर्चें काट लेते, हरा धनिया काट लेते। कवर कर रही हूँ मैं इसको आधे घंटे के लिए। अब देखिए हरी मिर्चें मैं इसको लंबाई में काटूँगी, ये देखिए बड़ी एहतियात के साथ काटती है, ये देखिए लंबाई में काटनी है इसका, इस काटनी है, ये हमें एंड में डालनी है। ये देखिए लंबाई में हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, ये मैं इसमें रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए, एंड में डालूँगी। अब हरे धनिया की कटिंग करेंगे हम, अदरक मैंने पहले से काट ली थी, देखिए अदरक मैंने काट के रखी हुई पहले से। अब हरे धनिया की कटिंग कर रही हूँ मैं, इतनी देर हमारा मसाला रेडी हो रहा है, कबाब रेडी हो चुके हैं, तब तक हमने ये कटिंग कर ली है सारे हरे धनिया वगैरह की ताकि हमारी टाइम की बचत होगा। ये हरा धनिया इसमें रख रही हूँ मैं कटिंग किया हुआ, ये हम कर देंगे साइड पर। ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त ग्रेवी हुई है, देखिए ना ज़बरदस्त कलर्स का आया है, देखिए रोगन इसका ऊपर आ गया, कबाब हमने रेडी कर लिए थे पहले से बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर ये कबाब डालूँगी, तो मैं इसमें कबाब डालूँगी, देखें कबाब डालने के बाद दो से तीन मिनट तक इसको ढक पे रखूँगी। हमारी मुट्ठी कबाब कढ़ाई रेडी हो चुकी है, तो 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। अब इसी में ये हरी मिर्चें डाल दूँगी थोड़ी सी, मैं देखिए हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी, बाकी गार्निशिंग रखूँगी थोड़ी सी, मैं इसमें अदरक डाल दूँगी थोड़ी सी गार्निशिंग रखूँगी मैं अदरक, और इसी में मैं कसूरी मेथी भी इसमें डाल दूँगी। ये कसूरी मेथी ये ख्याल रखिए कसूरी मेथी लास्ट में डलती है, हमेशा लास्ट में डालिएगा, जल्दी शुरू में नहीं डालते बिल्कुल भी, खुशबू की डलते हैं ये मसल के। इसमें ये कसूरी मेथी इसमें मैंने डाल दी है सारी, ठीक है। मैं इसको स्पून से हिला के अब इसको सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, फिर उसके बाद मैं सर्व करके दिखाऊँगी आपको कढ़ाई में। ये देखिए हमारी मुट्ठी कबाब कढ़ाई, मुट्ठी कबाब कढ़ाई रेडी हो गई, कितनी ज़बरदस्त बनी है, देखें आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल भी हमारा कबाब नहीं टूटे, मुट्ठी कबाब इतने ज़बरदस्त बने, कितने मोटे मोटे कबाब बने हैं, तो ज़बरदस्त लुक आया है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ, अब इसको आप चाहे तो नान के साथ भी खा सकते हैं, जो भी चाहे खा सकते हैं, चपाती से भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी से भी खा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सर्व कर रही हूँ कढ़ाई में, देखें बहुत पसंद आएगी आपको, लाजमी ट्राई कीजिएगा, और भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये शनवारी की ख़तरनाक मुट्ठी कबाब कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी है, आप देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी, जो हरी मिर्चें और हरा धनिया अदरक मैंने बचा ली थी वो मैं गार्निशिंग करूँगी हरे धनिया के पत्तों से, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शनिवार की मुट्ठी कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देखें। और अदरक तो कढ़ाई की जान होती है हमेशा, इसलिए अदरक और हरी मिर्चें तो
कढ़ाई की जान होती है, इसलिए तो लाजमी इसके बगैर तो लुक ही नहीं आता, मज़ा ही नहीं आता, तो इसके डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खिनवारी की कढ़ाई खाना भूल जाएंगे अगर आपने एक बार मेरे तरीके से बनाने का तरीका किया। आपने बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा आपको कढ़ाई कितनी पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।